ही अपने यहाँ पे आज बच्चे आए हुए हैं। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोग में से कितने लोगों को जेन्युइनली बिजनेस करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर तो वो आता है कि आपको बिजनेस जबरदस्ती, आप इस क्लास में बैठे हो कि आपको बिजनेस करने की इच्छा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपना खुद का बिजनेस करने की इच्छा है, वो सब अपने हाथ खड़े। इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 2 लोगों के हाथ खड़े हैं अभी तक, 4, 5, 6, अरे क्या बात है, वेरी गुड, जस्ट 9, वेरी गुड, वेरी गुड। 95 की क्लास में अभी तक लोग सोच रहे कि हमें बिजनेस करना है कि नहीं करना है, अभी तक सिर्फ इसका भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपने ऑडियो को बंद करें। प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपना ऑडियो बंद करो। ओपो A50 सैमसंग, सब सब बच्चों से रिक्वेस्ट है अपना ऑडियो पहले है ना आप म्यूट मोड पे रखिए, ताकि अब ये क्लास अच्छे से चल सके। मैं एक क्लास में ले रहा हूँ, अपन एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन, जिससे हम आगे बढ़ पाए। अभी मैंने देखा कि करीब करीब 20-25 बच्चे हैं जिनको जेन्युइनली बिजनेस करने की इच्छा है या आगे जाके कुछ वो करना चाहते हैं अपना खुद का। बाकी पूरी क्लास अभी तक शायद कंफ्यूजन वाले स्टेट में है कि हमें बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले उस बात पे आते हैं, आपको कैसे पता चले कि आप बिजनेस के लिए तैयार हो या नहीं, क्या आप में वो है कि आप एक बिजनेसमैन बन सको, क्या आप में वो जज्बा है, क्या आप में वो क्वालिटीज है कि आप एक बिजनेसमैन बन सको। तो अभी 23 बच्चे ने हाथ खड़ा किया है जिनको बिजनेस करना है, हम ये बात कर रहे थे। तो क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन, आपको लगे कि आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो, आप एक खुद का धंधा चालू कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हम इस पे आते हैं कि अब तक आप लोग ने बचपन से पढ़ाई की है, स्कूल में गए हुए हैं, स्कूल से अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई PhD पढ़ रहा है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट। अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें हमेशा आपको यह पढ़ाया गया है कि कुछ ना कुछ सही है, कुछ ना कुछ गलत है। आपको हमेशा पढ़ाया गया है कि एक यही तरीका है कोई चीज करने का, देयर इज अ सिस्टम, आपको बस उसी को फॉलो करना है। राइट टू राइट होता है, रॉन्ग टू रॉन्ग होता है। पर ये जो बिजनेस की दुनिया है ना हमारी, यहाँ पे ना कोई सच सही होता है ना कुछ गलत होता है। सबसे पहले आपको ये अपनी थिंकिंग, ये जो अपनी सोच है, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे भारत का, वो एक एम्प्लॉय माइंडसेट का एजुकेशन सिस्टम, कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सको, उसके लिए वो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। तो सबसे पहले जो हमें चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि जो अब तक सीखा है उसको हम कैसे अनलर्न करें, यानी कैसे हम उसमें जो चीज हमारे काम की है उसको रखें और जो चीज काम की नहीं है उसको साइड में करें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनलर्निंग, UNLEARNING, अनलर्निंग। जब तक हम जो सीखा है उसको अगर हम परम सच मान लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या है कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, रोज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, रोज आए दिन नया नया सिचुएशन सामने आता है। अगर वो हर सिचुएशन को उस तरीके से ठान ले कि बस यही टाइप चीज है और मैं इसी तरह करूंगा, तो उसका सोल्यूशन उसको कभी नहीं मिलने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बिजनेसमैन को का जो दृष्टिकोण होता है वो 360 डिग्रीज वाला होना चाहिए। 360 डिग्रीज वाला मतलब क्या, कि समझो कि एक मैं बॉल लू जो एक तरफ से ब्लैक हो एक तरफ से व्हाइट, वो बॉल तो ब्लैक तरफ अगर मैं मेरी तरफ रखूं और व्हाइट आपके तरफ रखूं, आप तो कहोगे कि वो बॉल व्हाइट है और मैं कहूंगा कि बॉल ब्लैक है। जो ये राइट साइड या लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा बॉल के, वो बोलेगा बॉल 2 कलर की है, व्हाइट भी है ब्लैक भी है। क्या मैं गलत हूं, क्या आप गलत हो, कि मेरे साइड वाले दोनों गलत है? गलत कोई भी नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया है। तो बिजनेस में भी सबका अपना अपना नजरिया होता है। जिंदगी, आम जिंदगी में भी आप देखेंगे हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है। जो आदमी कोई चीज बोल रहा है वो अपने सिचुएशन, अपनी परिस्थिति और अपने नजरिए के हिसाब से बोलता है। तो एक बिजनेसमैन में इतनी गहराई और इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि उस चीज को समझे कि
हर आदमी अपने बैकग्राउंड से बोल रहा है और उस बैकग्राउंड को आप समझें और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना आप सोचें। तो क्या हम में वो दृष्टिकोण है जो कि हम हर आदमी का दृष्टिकोण समझ सके? क्या हमें उतनी मैच्योरिटी है क्या, ये समझने की सबसे पहले जरूरत है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी जरूरत है कि इट इज नेवर माय वे और द हाईवे। ये कभी नहीं होता कि सिर्फ मैंने जो बोल दिया बस वैसा ही होगा, नहीं। आप में उतनी हम्बलनेस होनी चाहिए कि सबकी सुने और करे अपनी, सब चीज समझ कर। ऐसा नहीं कि हिटलर की तरह बस सबकी सुन तो नहीं, बट जो मुझे करना था मैंने वही कर लिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अनलर्न करना, अपने आप को सीखना पड़ेगा। जब तक आदमी व्यक्ति अपने आप को अनलर्न नहीं करेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बिजनेस में रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। एवरी डे इज अ लर्निंग। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसको अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और अगले दिन वापस कुछ नया आ जाता है। तो अनलर्न देन लर्न। जो व्यक्ति में सीखने की आकांक्षा है, जो व्यक्ति में सीखने का जज्बा है, वो ही आदमी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। कभी आपको व्यक्ति से सीखने मिलेगा, कभी आपको बुकों से सीखने मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। और फिर है रीलर्न, यानी जो आपने सीख लिया वो वापस परम सच नहीं हो गया, वो वापस कभी बदलेगा। तो आपको ये चीज भी समझनी है कि अनलर्न लर्न एंड अनलर्न, अनलर्न लर्न एंड रीलर्न। जो हमने सीखा है वो भी परम सत्य नहीं है, हम रोज नई चीज सीखेंगे, और जो हमने नई चीज सीखी है वो भी परम सत्य नहीं, हम कल और नई चीज सीखेंगे। बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट, वो है चेंज, बदलाव। बदलाव हमेशा होगा, होते रहेगा, और आपको बदलते समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। पहले इस सोच को आप अपने अंदर बिठा लीजिए। जब आप इस सोच के लिए रेडी है, तो अब आपने तो क्या है कि 15 साल पढ़ाई करके नॉलेज ले ली, स्किल ले लिया, मगर क्या नहीं लिया? विजडम। अब वो विजडम कहां से आए? स्कूल से आपको विजडम नहीं मिलने वाला, कॉलेज से आपको विजडम नहीं मिलने वाला। विजडम तभी मिलेगा जब आप या तो किसी के यहाँ पे नौकरी करके सीखेंगे, या अपने खुद के फादर का बिजनेस है तो उनके यहाँ पे जाके सीखेंगे। ऑर्डर नहीं देना है, समझे आप? बाप की कुर्सी है, फादर की कुर्सी है बिजनेस की। आप उस दिन आप सोचो कि पहले दिन पे आपको वो कुर्सी मिल जाए तो आप सबसे खराब बिजनेसमैन बने, सबसे खराब। क्योंकि जो आदमी ऑर्डर देना सीख गया ना, वो काम लेना कभी नहीं सीख पाया। पहले आपको काम कैसे लेना है वो सीखना है, और उसके लिए पहले काम कैसे करते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। सोचिए कि आप किसी की कंपनी में जाके अगर आप जाते तो आपको क्या पहले दिन पे ही आपकी बात सुनने लग जाते, पहले दिन पे आपके ऑर्डर सब लोग लेने लग जाते क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? तो ठीक है, आपके फादर का बिजनेस है या आपके पहचान वाले का बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से ऑर्डर देने लग जाओ, या आपने बीएड की डिग्री ले ली, बीकॉम की डिग्री ले ली, बीएससी की डिग्री ले ली, या आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर देने के लायक हो गए। बिजनेसमैन बनने का सबसे पहला कि जो आपको सेठ की गद्दी होती है ना, जो ओनर की गद्दी होती है, जो मेन फाउंडर की गद्दी होती है, वो ऐसे ही हासिल नहीं की जाती। उसको हासिल करने के लिए पहले अपने लोगों को जीतना पड़ता है, अपने सप्लायर्स को जीतना पड़ता है, अपने कस्टमर्स को जीतना पड़ता है। इन पूरे चैनल को जब आप जीतोगे तब आप ओनर कहलाओगे, तब आपकी इज्जत होगी और तब आपकी लोग सुनेंगे। और उधर पहुंच के भी आप में अहम आ गया तो सब कहानी खत्म, कि जितना भी आपने खड़ा किया ना वो एक दिन में ढेर हो जाए। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत गहराई की बात है बच्चों आपके लिए, बिकॉज ये मैं 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भी बहुत ठोकरें खाई, हमने भी बहुत बिजनेसेस किए, कहीं ना कहीं ठोकर खाए, सीखे। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास 7 बिजनेस है जो मैं करता हूँ आज के दिन में, वो ऐसे ही नहीं चल रहा। बहुत बिजनेस, 5-6 बिजनेस में मैं फेल भी हो चुका हूँ। तो ये सब ये विजडम है, ये नॉलेज नहीं है, ये स्किल नहीं, ये सब कर करके सीख सीख के रोज लोगों को देख देख के हम सीखे जो हमारे में ये विजडम आई, ये समझ जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ बिजनेस मैच्योरिटी। वो जब तक आप ऑन हैंड्स ग्राउंड पे नहीं जाओगे, आपको अगर एसी के केबिन में बैठना है ना तो आप नौकरी करो, बिजनेस आपके लिए नहीं। अगर बिजनेस करना है तो आपको धूप में तपना पड़ेगा, आपको जैसे एक डायमंड को बार बार घेस कर अच्छा जाता है, वैसे आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, तब आप शाइन करोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। तो ये तो बात हो गई कि हमें बिजनेस कैसे, मतलब बिजनेसमैन
कैसे बनना है, या हम बिजनेस करने के लायक है कि नहीं, अगर हमको खुद को जानना है तो हम कैसे जाने, क्योंकि हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक बिहेवियर होता है। तो एक बिजनेसमैन बनने के पहले पहले हम खुद को स्टडी करें, हम खुद को समझें कि हमें वो क्वालिटीज है क्या, क्या हमें वो क्वालिटीज आ सकती है क्या, क्योंकि अपना खुद का एक फैब्रिक होता है। अगर आप वैसे नहीं हो तो आप नहीं हो, इसमें कोई शर्म की बात या इसमें कोई गलत बात नहीं। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, जब आप बिजनेसमैन बने हो तो पहले तो ये समझ लो कि कुछ भी सही नहीं होता ना कुछ गलत होता है, सिर्फ एक दृष्टिकोण होता है। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप हर आदमी का दृष्टिकोण ले सको और उसको सेटिस्फाई कर सको, ये होता है बिजनेस। फिर आप में अपनी एक राह बना सको, जब आप वो कर पाएंगे तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनने की क्वालिटीज के लिए तैयार है। तो इस बारे में कोई कुछ जानना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो प्लीज आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट ऑफ अनलर्न लर्न रीलर्न एंड हाउ टू बिकम अ बिजनेसमैन। हमको बिजनेसमैन कैसे बनना है, कि आपको लग रहा है कि आपको वो क्वालिटी है या नहीं, आपके दिमाग में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझसे प्रश्न पूछिए, या आपका प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। आई थिंक सब बहुत मेच्योर और समझदार इनाफ है समझने के लिए कि उन्हें, अच्छा पसीना होना भी जरूरी है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, पसीना पसीना ही, यानी आप धूप में तपोगे तो पसीना होगा ना, अगर आप धूप में कभी तपे ही नहीं तो पसीना आएगा कहाँ से। उसी को बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल से काम करना। एक बिजनेसमैन पैशन सर, पैशन पैशन सर, वो जज्बा है, जज्बा तो बहुत लोगों के अंदर होता है बट वो क्वालिटीज ही नहीं होती सर। क्वालिटी का कैसे पता चले जो हमारे अंदर, हम बिजनेस करने के काबिल है, जैसे कि मैं सर अपना आप में पता करें कि हाँ हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप में वो हम्बलनेस है क्या, आप में उतनी वो गहराई है क्या, इतना झुकाव है क्या। पहले तो सबसे बड़ी क्वालिटी एक बिजनेसमैन में चाहिए कि वो झुकाव, किसी के भी सामने झुक के समझना कि हम वो क्या बोल रहा है, हमें क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। हर आदमी का दृष्टिकोण समझने की चाह, अगर आप हर आदमी का दृष्टिकोण समझ सकते हैं तो आप में एक बिजनेसमैन वाली क्वालिटी है। तो ये चीज आपको समझनी है, जो मैं आपको अब तक समझा रहा था कि अब तक जो आपने सीखा है वो परम सत्य नहीं, आपको रोज एक नया सीखने की चाह होनी चाहिए कि एवरी डे एक नई लर्निंग आएगी, एक नया चीज सीखना पड़ेगा। एडमिन आपका काम मैं कर रहा हूँ, एडमिन प्लीज वो जो भी नए लोग एंटर हो रहे हैं उनको एडमिट कीजिए। तो क्या आप में वो चाह है क्या सर, वो कैसे पता करें हम अपने कैसे, बारे में? क्या आपको लगता है कि आप रोज नई चीज सीख सकते हो, कभी थकोगे नहीं? हाँ तो सर, जैसे अब हम न्यू पर्सन से मिलते हैं तो सर वो बिजनेस हम करते हैं सर, जैसे अब वो समझ रहा है, ठीक है हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहा है सर, अब दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, एक घंटे के बाद समझाते हैं सर, वो समझ नहीं पाता है और फिर वो मना कर देता है, तो सर वो थोड़ा सा, तो ये होने वाला है ना आपके साथ, ये होने वाला है। यही तो बात है कि आपको हर व्यक्ति का दृष्टिकोण समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर आदमी आपका प्रोडक्ट खरीदे। क्या आपके पेशेंस है कि वो रिजेक्शन ले सको आप? रिजेक्शन रोज आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिजनेस प्लानिंग में जाने से पहले पहले बिजनेस आप करने के लायक हो कि नहीं पहले वो समझ, क्या ये रिजेक्शन रोज ले सकते हो? रोज 10 लोग रिजेक्ट करेंगे, 2 लोग एक्सेप्ट। यस सर, ऐसे ही होता है, यही बिजनेस है, आप सही कर रहे हो, जस्ट कीप गोइंग अहेड। अगर आप थक गए तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसी तरह से आपको सिस्टम आएगी कि कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। अभी क्या, अभी हम है ना, हमारे कुर्सी पे बैठ के समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से माल खरीदने वाला है कि नहीं खरीदने वाला है। ये विजडम है जो सालों एक्सपीरियंस के साथ आया, अनुभव के साथ आया। साल 2 साल रेगुलर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। अभी जैसे हमारे पास एक प्रवीण जी त्रिपाठी थे, उसमें पेशेंस ही नहीं था कि मेरी बात को समझे और आगे बढ़े, तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है आप चले जाइए, हम यहाँ पे बहस के लिए नहीं है। आदमी में एरोगेंस होगा ना, वो आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। पहले अगले आदमी की भावनाओं को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें वो पेशेंस और वो गहराई जब तक नहीं आई तो बिजनेस प्लान तो सिर्फ पेपर पे बन के रह जाएंगे, एग्जीक्यूट 0 होगा, 0। आप जो आप कर रहे हैं ना, कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप बहुत सही कर रहे हो, बस इसको करते रहो,
आगे बढ़ोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। ये स्टेप वन लोगों को समझना। सर हर कोई समझ नहीं पाता हमारी लैंग्वेज सर, जो हम कहना चाहते हैं सर कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते हैं। इट्स ओके, जबरदस्ती तो हम किसी के साथ कर नहीं सकते ना। यस सर, यही तो जिंदगी है। यही मैं बोल रहा हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो क्या बोलता है, बस यही राइट है और यही रॉन्ग है। बट बिजनेस में राइट और रॉन्ग नहीं होता। जो हमारे साथ चल पड़े वो हमारा कारवा में आ गया, जो नहीं चल पड़ा वो पीछे रह गया, या मेरे साथ नहीं वो किसी और के कारवा में जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आजकल आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कल का कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगा वो। I think आपका क्लियर हो गया। एडमिन कौन है यार, बहुत ज्यादा सबकी आवाज आ रही है। सेशन को कंडक्ट करने में कभी इतनी में कोई तकलीफ नहीं हुई यार। एडमिन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। यस, तो आई थिंक अब हम उस पार्ट में क्लियर हैं कि बिजनेसमैन आप हैं कि नहीं वो समझे और फिर आगे बढ़े। अब हम जाते हैं कि बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग किस तरह की जाती है। अगर हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम किस तरह शुरू करें, हम किस तरह आगे बढ़े कि हमको ये समझ आए कि कौन सा बिजनेस करें। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जहाँ पे हमारे बच्चे आजकल अटक जाते हैं, जहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। क्योंकि आज की दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे संभावनाएं हैं कि हम कौन सी संभावना को पकड़ के आगे बढ़े, ये समझना बहुत जरूरी हो रहा है। तो बिजनेसमैन क्या करता है पता है आपको? बिजनेसमैन का आपको क्या लगता है? चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं कि बिजनेसमैन का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ बिजनेसमैन? आपको क्या लगता है? सिर्फ गद्दी पे बैठना काम है, चेक साइन करना उसका काम है, क्या काम? बिजनेसमैन का काम क्या है? एक बिजनेस काम तो आपको लगता है कि उसके सब नौकर कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उसकी टीम कर रही है। बिजनेसमैन का काम क्या है, कौन बता सकता है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कार्तिक ठाकुर, किस चीज का बिजनेस सबसे बेस्ट है सर आज की जनरेशन में? सर वर्क ऑर्गेनाइज करना। ऋतिक भाटिया, नहीं बताइए मेन काम क्या है, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का काम क्या है? बिजनेसमैन का सिर्फ एक और एक ही काम, प्रॉफिट बनाना। ये एक ब्रॉड टर्म है, बिजनेसमैन को एक ही काम, प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट किसी भी तरह बनाना। हाउ टू डबल माय प्रॉफिट्स एवरी डे। अगर आज 1 रुपया कमा रहा हूं तो कल 2 रुपया कैसे कमाऊं, कल 2 कमाए तो परसों 4 कैसे कमाऊं? ये काम है बिजनेसमैन का, प्रॉफिट बनाना। अब वो प्रॉफिट कैसे बनाएगा, उसका जो वो सिस्टम बनाएगा उसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। यानी प्रॉफिट बनाने के लिए वो जो उसको गोल है उसको अचीव करने के लिए जो वो चीज बनाएगा, जो सिस्टम बनाएगा, वो है उसका बिजनेस मॉडल। That is the main thing. To expand business and growth is one of the work, but the main work is to basically, you know, double profits every day. रोज मुनाफा बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं? रोज ग्रोथ करनी है, ये काम है बिजनेसमैन का। Every day he has to double his profits. And how to do that is his business model. सब मेरे साथ हैं? सब इस बात में मेरे साथ है कि हम जो बोल रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स की बात देखो बेटा ऐसी है कि वी विल कम टू इट आफ्टर द लेक्चर। आई थिंक अभी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो अपना फ्लो टूट जाएगा। तो बिजनेसमैन का काम है प्रॉफिट बनाना। अब प्रॉफिट बनाने के लिए उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा ना। तो वो अब कैसे करें, उसके लिए करनी पड़ती है मार्केट स्टडी, या उसको कहते हैं बिजनेस आइडिएशन, जो आज का हमारा पहला सब टॉपिक है, बिजनेस आइडिएशन एंड एग्जीक्यूशन। बिजनेस का आइडिया कहां से आए, कैसा होता है? मेक नेम इन द मार्केट
इज नॉट द जॉब ऑफ अ बिजनेसमैन कुणाल. नाम अपने काम से अपने आप बनता है. अगर आप सही काम करोगे आपका नाम अपने आप बनेगा. अगर आप सही मुनाफा कमाओगे आपका नाम अपने आप बनेगा. तो अब सब वो प्रश्न को साइड में छोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आप बिजनेस आइडिया के बारे में कैसे सोचोगे. तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है बच्चों इज टू रीड अ न्यूज़पेपर. अगर आप रोज न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालिए, न्यूज़पेपर अच्छी किताबें पढ़िए, वहां से आपके अंदर एक सिस्टम आएगा, वहां से आपके अंदर एक एक्सपोजर आएगा. एक्सपोजर क्यों? न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया की खबर होती है. जब आप पूरी दुनिया की खबर पढ़ते हैं ना तो आप में वो एक्सपोजर आता है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, कौन कैसे बर्ताव कर रहा है. कोई अगर मुंबई का मार्केट है तो मुंबई का मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, दिल्ली का मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आती है. बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़िएगा, गॉसिप वाली न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी, बॉम्बे टाइम्स नहीं पढ़ना है अपने को, हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं वो अपने को नहीं पढ़ना. अपने को क्या पढ़ना है, बिजनेस न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, जहां पे बिजनेस की खबरें छप. या अभी तो आप ऑनलाइन है तो यू कैन फॉलो लॉट ऑफ गुड बिजनेस न्यूज चैनल्स, जहां से यू विल नो व्हाट टू रीड एंड आई नो वेयर यू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन. एडमिन देयर आर फाइव पीपल वेटिंग इन द वेटिंग रूम, प्लीज एंटर देम. तो सबसे फर्स्ट चीज आपको जो सीखनी है वो ये सीख टू रीड. जहां जितना पढ़ना सीखेंगे उतना आप में मेच्योरिटी आएगा बिजनेस करने का, उतना आपको समझ में आएगा कि बिजनेस साइकिल कैसे चलता है. अब जब आपने इतना सब पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं ना कुछ चीज पता चलेगी. और क्या चीज पता चलेगी, मार्केट में कोई चीज की कमी. जैसे कि हमारे फ्लिपकार्ट हो गए या अमेजोन हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में एक चीज की कमी ढूंढी. क्या कमी थी वो, लोग शॉपिंग तो कर ही रहे थे तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि अचानक लोग इनसे शॉपिंग करने लगे. इन्होंने ढूंढा कि लोगों को घर पे बैठ के अपने मोबाइल से शॉपिंग करनी है. इट इज अ अनमेट नीड. ये एक नीड थी सोसाइटी की, एक जरूरत थी जो कोई पूरा नहीं कर रहा था. इस जरूरत को उन्होंने बेसिकली पूरा किया. सो यू नो बेसिकली फुलफिलिंग द अनमेट नीड ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज मेड अ बिजनेस मॉडल. कोई बिजनेस टू बिजनेस की अनमेट नीड होगी, कहीं मार्केट की अनमेट नीड होगी. आज के मार्केट की सबसे बड़ी अनमेट नीड क्या है, कोई बता सकता है? आज के मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आज आप कहीं भी जाइए, अपने सिटी में घूमिए, वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी कमी दिखेगी. और वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के बच्चों के लिए, आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पे. कोई बता सकता है? लेट्स सी. इससे पता चलेगा कि आपकी ऑब्जर्वेंस पावर कितनी अच्छी है. रॉ मटेरियल तो सर बहुत प्लेंटी अवेलेबल है. रॉ मटेरियल इज नॉट अ परमानेंट थिंग. कभी भी कोई नीड हम ढूंढे ना उसका स्केलेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए. होम डिलीवरी तो सर आज कितने सारे एप्स कर रहे हैं, जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है, जेप्टो कर रहा है, मतलब हाइपर लोकल तक के भी एप्स आ चुके हैं जो ये नीड्स पूरी कर रहे हैं, कंपनीज आ चुकी है जो ये नीड्स पूरी कर रही है. टूडे देर इज अ नीड ऑफ एवरी बिजनेसमैन. ये B2B मार्केट का नीड, हर एक बिजनेसमैन की नीड है. रीचिंग टू कस्टमर्स यूजिंग सोशल मीडिया. आप बहुत करीब हो मुकेश, यू आर समवेयर रीचिंग देयर. एक बहुत बड़ी नीड ये भी है, उससे भी एक बहुत बड़ी नीड. अगर आज आप चाहेंगे ना मार्केट में देखेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना कि कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कौन कौन होता है. आपका जो वो हॉकर भी होता है ना जो सिर्फ सब्जी बेच रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है, और जो बड़ी दुकान का स्टोर लेके बैठा है वो भी एक बिजनेसमैन. ठीक है, तो ये सब छोटे से लेके बड़ों तक आपको सबको देखना है. और आपको एक चीज रियलाइज होगी कि अफोर्डेबल कॉस्ट में बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे बनाएं. टेक्नोलॉजी ड्रिवन मतलब हमारा जो बिजनेस हम सब काम मैन्युअली करते हैं उसको कंप्यूटर पे कैसे लेके आए या मोबाइल में कैसे लेके आए. ये मार्केट की बहुत बड़ी नीड है जो अभी तक कोई ढंग से पूरी नहीं कर पाए. अगर आप इस नीड को टैप करेंगे यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि हाउ टू मेक मैनुअल बिजनेसेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन.
एक तो कंप्यूटर पे लेके आने की नीड है, एक है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, बहुत सारे प्रोसेस आज भी ऐसे हैं जो हाथों से किए जा रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आया जाए। सो इट्स अ बिग नीड, यहां से एक बिजनेस आइडिया उत्पन्न होगा। अगर आप होटलों के लिए कुछ करोगे तो होटल के लिए बिजनेस आइडिया उत्पन्न होगा, या आप आयरन एंड स्टील मार्केट के लिए करोगे, जहां पे भी आपको आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ के उसकी वो नीड पूरी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक होल है मार्केट में जिसको फिल किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है। और यदि आपको कोई भी बोले ना, यानी आपके आपके पापा भी आके आपको घर पे बोले कि यार अपने बिजनेस में पहले जैसा मजा नहीं है, तू तो यार बेटा नौकरी कर ले या तू खुद का कुछ देख ले, उस चीज को कभी नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पापा थके हारे आए ना, इसलिए वही चीज बोल रहे हैं वो। उनको सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप खुद उनके बिजनेस में जाके बैठो। और वो बात भी छोड़ दो, अगर पापा वो सोच के भी है, मैं आपको बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो है ना आज हर जगह है। जैसे कि अभी किसी ने बोला रॉ मटेरियल में है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, सिर्फ देखने वाला चाहिए और उसको कोई फुलफिल करने वाला चाहिए। बिकता सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिकता नहीं है, भले वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो या आशा हो। किसी ने कहा होप 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 ऑल्सो सेल्स। दुनिया में आप चौकन्ने रह जाएंगे कि लोग क्या क्या चीज बेच देते हैं यार, लोग धूल तक बेच देते हैं। आज जो मार्बल है लोगों के घर में लग रही, था क्या वो? था तो साथ है, सिर्फ पत्थर था, मगर आज लोग घर पे मार्बल लगा रहे हैं, ग्रेनाइट्स लगा रहे हैं, कोई टाइल लगा रहा है। वैल्यू क्रिएशन करना आपको आना चाहिए, आपको मार्केट की अनमेट नीड को मीट करना आना चाहिए, वहां से बिजनेस का आइडिया निकल के बाहर आता है। किसी को बहुत सुंदर पत्थर चाहिए तो उसको पॉलिश करके दे दो, कोटा स्टोन था बिना पॉलिश का लगता था, मार्बल है पॉलिश करके लगता है। अब वो मार्बल को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्केलेबिलिटी फैक्टर में सेरामिक आ गया, धूल धूल से बनता है सेरामिक। तो हर चीज की डिमांड मार्केट में है। आज कोई बोले ज्वेलरी की डिमांड नहीं, अरे कैसे डिमांड नहीं है, आप देखिए तनिष्क टाटा का ब्रांड है, आदित्य बिरला भी अपना नया ब्रांड लेके आ रहे हैं, रिलायंस जैसे आदमी भी क्या बेच रहा है, सोना बेचने आ गया है, रिलायंस ज्वेल्स। धंधा हर जगह है, आपको सही तरीके से करना नहीं आता, आपको वहां पे नीड क्या है वो समझ में नहीं आ रही। जिस दिन आपकी ये चीज सॉल्व हो जाएगी ना, कि आपको समझ में आया कि मैं क्या चीज को केटर कर रहा हूँ, बिजनेसमैन का एक्चुअल काम क्या पता है, बिजनेसमैन किस तरह के लोग होते हैं, वो बिजनेसमैन जो है ना वो सोसाइटी को सर्व करता है। जिस दिन आप में वो सर्व करने की भावना आ जाएगी ना, प्रॉफिट तो अपने आप बनेगा। आपको सर्विस देनी है, प्रोडक्ट की भी सर्विस देनी पड़ती है, सर्विस की भी सर्विस देनी पड़ती है। यू शुड नो हाउ टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। आप सिर्फ ये सोचिए, चलिए ये बताइए, आप लोगों सब लोगों को चाय बनानी तो आती होगी है ना, कोई है जिसको यहाँ पे चाय बनानी नहीं आती? एक किस्सा बताता हूँ, मैं कॉलेज में गया था ऐसे लेक्चर देने, लेक्चर के बाद प्रोफेसर के साथ उनके रूम में बैठ के चाय पी रहे थे। तो उस दिन जो उनके ऑर्गेनाइजर थे ना, मैं तो क्या आपके क्लास में सीआर वगैरह सब होता है, तो एक सीआर आके बोला कि सर चाय मैंने बनाई। बोले गर्व के साथ, बोला खुशी के साथ कि सर चाय मैंने बनाई। मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने चाय बनाई, बट आपको पता है क्या चाय बनती कैसे? बोला सर क्या एकदम सिंपल है। बोला बताओ, चलो यहाँ पे बताओ किसको चाय बनानी आती है। आई वॉन्ट टू नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टी। इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है, आप इसको छोटी चीज में मत लीजिएगा। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हर चीज के पीछे एक लर्निंग है, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। चलिए कौन बोलेगा चाय कैसे बनती है? एनीवन? स्नेहा ओझा आप बताओगे चाय कैसे बनती है? चलिए बताइए स्नेहा, आर यू ऑनलाइन? एनीवन एनीवन इज द क्लास विथ मी? यस सर, स्नेहा ओझा बताओ चाय कैसे बनी? यू कैन अनम्यूट स्नेहा ओझा, अपने आपको आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। यस सर। हाँ बोलो, चाय कैसे बनती है? सर हाँ सर, चाय बनती है, पहले हम पानी डालेंगे, हाँ वो पतीले में, गैस ऑन कर देंगे, फिर हम अदरक, अभी ठंड आ गई है तो हम अदरक भी डाल देंगे, अजवाइन,
सब डालते हैं मसाला, काली मिर्ची सब, हम इलायची सब डाल देंगे मसाला, तो फिर दूध डाल देंगे उसमें, चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डाल देंगे, फिर चीनी बस, तो फिर यही उबाल देंगे। मतलब आपको चाय बनानी आती है और आप चाय बना के लेके आएंगे, राइट है? यस सर। हाँ एक बात बताओ मेरे को, ये जो चाय में आपने सबसे पहले जो चीज दी ना पानी, हाँ वो सर, पानी कहाँ से आया आपके पास? पानी हाँ सर घर में ही था, कहाँ से लिया? हाँ पानी हाँ कहाँ से लिया आपने पानी? घर में टैब पानी आता है, टैब टैप 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 टैप, वो टैप आपने लगाया था? सर नहीं, नहीं, किसने घर लगाया? पर नहीं, एम्प्लॉयज आते हैं। एम्प्लॉयज, ये मार्क करना आप जो बोल रहे हो, एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज, ओके यस okay. सर। तो वो जो टैप है वो टैप में पानी अपने आप आ गया? सर नहीं, वो कैसे आया? वो आपके बिल्डिंग के सर ऊपर कोई सरकार टंकी गवर्नमेंट वंकी? देती है पानी का, चलो आप जैसे हमारे हाँ लास्ट पॉइंट पे चले गए, वेरी गुड, नगर निगम। देखिए कैसा है, वो टैप में पानी तो पहले आपके ऊपर टंकी से आया, टंकी भी आपने बिल्डर ने बनाई, ठीक है? वो बिल्डर ने भी डायरेक्ट तो बनाई नहीं होगी, उसके भी कोई प्लम्बर्स ने बनाई होगी, वहां पे भी नगर निगम का कोई लेक है जिसमें किसी को उसने खोदा है, उधर से वो पानी यहाँ तक आया, ठीक है? मगर नगर निगम के पास पानी कहाँ से? पानी कहाँ से आया? हाँ, नगर निगम के पास पानी कहाँ से? हाँ जसवीर आप बता दो, कोई इशू नहीं है, समुंदर से? अरे समुंदर का पानी तो खारा होता है, बारिश बारिश से तो पानी आया है, नहीं जो भी कैसा वातावरण ने किया, तो कभी ये नहीं बोलना कि मुझे चाय बनानी है, आपने तो सिर्फ सब चीज को मिला के एक चाय बना के दे दी, तो आपको पानी बनाना तक नहीं आता, पानी भी कौन दे रहा है? ऊपर वाला दे। अब मैं चाय की पत्ती में नहीं गया हूँ, मैं जिंजर में नहीं गया हूँ, मैं आपकी अजवाइन में भी नहीं गया हूँ, मैं वो पतेले में भी नहीं गया हूँ, मैं गैस में भी नहीं गया, आप सोचिए कि कितने लोगों की मेहनत लगी है ना, तब जाके आप एक चाय बनाते। अगर आप सिर्फ सोचो कि एक दिन नगर निगम आपका पानी बंद कर दे, चाय बनेगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसी तरह जितने भी लोग आपके साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, या आपको किराने वाला है, या आपका सब्जी वाला है, या कोई भी है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बड़े बिजनेस करता है कमाई के लिए, और आप सिर्फ सोचिए कि अगर एक दिन वो नहीं आए तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा उछाल आ जाएगा, कितना बड़ा, मतलब आप बहुत लोग ऐसे जो चाय के लिए तड़पते हैं, इसलिए मैंने चाय का एग्जाम्पल लिया। तो आपका दिन कैसे गुजरेगा आप सिर्फ वो सोचो, बिजनेसमैन सर्व देता है, ही इज सर्विंग द सोसाइटी, इस चीज को समझिएगा, जब आपके अंदर वो सर्विस की भावना आएगी, आपका बिजनेस आइडिया मिलेगा, तो एक बिजनेस मॉडल तैयार। इस तरह ढूंढा जाता है, यानी बेसिकली आपको मार्केट का एक गैप ढूंढना है, और उस गैप को आप कैसे सर्व कर सकते हो, क्या आपके पैशन से वो रिलेट होता है, क्योंकि क्या होगा कभी कभी वो गैप तो मिल जाएगा, बट आपकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, अगर आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो आप वो बिजनेस सही तरीके से करोगे नहीं। सिर्फ बिजनेस मॉडल बनाना तो क्या है, कंप्यूटर के पीपीटी पे कोई भी बना सकता है, बट बिजनेस मॉडल तब सक्सेसफुल होता है जब ग्राउंड पे जाके वो आदमी जैसा मॉडल वो पीपीटी में बनाया ना, उसको वो एग्जीक्यूट करने में उतरे, अगर आप वो एग्जीक्यूट करने उतरोगे ही नहीं, तो वो बिजनेस मॉडल बनेगा कैसे? वो बिजनेस मॉडल सिर्फ पेपर पे, तो यार मैं आपको है ना पेपर पे मैं आपको हजारों बिजनेस मॉडल बता दूंगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस मॉडल वो है जो सक्सेसफुल है, बिजनेस मॉडल वो है जो एग्जीक्यूशन में है, बिजनेस मॉडल वो है जो कोई ना कोई व्यक्ति उस पर हर वक्त काम कर रहा है, क्योंकि बिजनेस मॉडल को हर दिन बदलना पड़ता है, हर दिन उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो अब आप बिजनेस मार्केट में वो छोटा आइडिया, या आपके दिमाग में आपको कोई नीड दिखी कि यार ये नीड है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नीड सच में है या नहीं, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, उसको बोलते हैं मार्केट स्टडी, ठीक है? तो वो कैसे हो, अब इस क्लास में भी मैं आपको पूछूंगा ना कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, मेरे पास कम से कम 50 हाथ खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे हाँ हमारे पास बिजनेस आइडिया है, पर मैं एक को भी बोलूंगा ना आपका बिजनेस आइडिया बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं होता है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कोई बताने को तैयार है अपना बिजनेस आइडिया क्या है?
सबको लगता है कोई चोरी कर लेगा ना, चोरी कोई कुछ नहीं होता ये. हाँ, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द बिजनेस आइडिया दैट यू हैव. आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप शेयर करना चाहोगे इस क्लास के साथ? एनीवन? देखा, किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा, सन्नाटा. बाकी आइडिया सबके पास है, पर सबको लगता है वो बाजू वाला मेरा आइडिया चोरी कर लेगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता. जिस दिन तुम कर भी लोगे ना, उसके पीछे से वो तुम्हारा आइडिया चोरी करके तुमसे बेटर बिजनेस करके दिखा देगा, तो क्या कर लो? कभी ना कभी तो मार्केट में आना पड़ेगा ना. तुमको पता है दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सी कंपनी ने बनाया? कोई बता सकता है? स्मार्टफोन जो है, कौन सी कंपनी ने सबसे पहला स्मार्टफोन बनाया? एनीवन? स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं. एलजी? नहीं अभिषेक, नो. एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं. अमित, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एप्पल का आइडिया नहीं था स्मार्टफोन बनाने. सबसे पहला स्मार्टफोन नोकिया ने ही बनाया था. विशाल, वेरी गुड. पर आज नोकिया कंपनी कहां है? उसके बाद बिजनेस फोन आए थे, वो किसने बनाया था ध्यान में? एनीवन? बिजनेस फोन बनाए थे ब्लैकबेरी करके कंपनी. आज दोनों कंपनी कहां है किसी को भी पता है? आज दुनिया किसको जानती है? एप्पल वाले. तो आपका बिजनेस आइडिया क्या है ना, वो मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि क्या आप में वो जज्बा है उसको एग्जीक्यूट करने का, क्या आप अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बना सकते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. समय के साथ बदल सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. इसलिए बिजनेस आइडिया शेयर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा आपका आइडिया में दम भी है कि नहीं. क्या आप सोच रहे हो कि मुझे एक चद्दर बनाना है, पर वो चद्दर को कोई खरीदने वाला है भी या नहीं, वो भी तो समझना पड़ेगा ना. इसके लिए कम से कम 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 500 पीपल. क्या आप कर सकते हो? मुश्किल टास्क है ना. जो भी आपके पास बिजनेस आइडिया है, डिस्कस इट विद पीपल. हर आदमी का अपना एक रिव्यू आए, इसलिए आपका वो 360 डिग्री वाला दृष्टिकोण वाली बात आ गई. अगर हमारे पास 360 डिग्री का दृष्टिकोण नहीं है, तो हम हर आदमी के क्रिटिसिज्म को हम ले नहीं पाएंगे, हर आदमी की अच्छाई को भी हम ले नहीं पाएंगे. किसी ने हमारी बढ़ाई की तो हमें सीना चौड़ा नहीं करना है, अहम में नहीं आना है. और किसी ने हमारी बुराई की तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना. ये क्वालिटीज आप में डेवलप होनी चाहिए. दैट इज वाई मैं ये बात कर रहा था कि यू नो क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन, व्हाई इट इज नेसेसरी. इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इसीलिए जरूरी है. 500 लोगों से आप बात करोगे ना, तो आप सब कुछ सीख जाओ, आपके अंदर का डर खत्म हो जाए. मेन चीज है आपको यह समझ में आएगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है या नहीं, क्या लोग इसको खरीदने को तैयार है. अगर खरीदने को तैयार है तो कितने रुपए देने को तैयार है, क्या उतने रुपए में आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा. ये होगी आपकी बिजनेस एनालिसिस. बिजनेस का आइडिया आ गया, अब उसका एग्जीक्यूशन इस तरह होगा बिजनेस एनालिसिस करके. फिर आपको समझ में आएगा कि ये मेरे जो प्रोडक्ट है, इसमें मुझे ये चीजें रखनी है, ये चीजें निकालनी है, ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी. 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी. बहुत टफ टास्क है, टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता. क्या आप लोग कर सकते हैं? कौन करने को तैयार है 500 लोगों से बात? अभी मेरे एक भाई थे, वो बोल रहे थे यार दो लोगों के पास गया सर, वो एक ले लेता है, 10 लोग मना कर देते हैं. मतलब यही होने वाला है. वो प्रोडक्ट वो खर्चा करके वो सीख रहा है, आपको बिना खर्चा करके सीखा, ताकि आपको आइडिया है कि मेरे को किसको टारगेट करना है. विवेक, वेरी गुड विवेक, अगर आप कर सकते हो वेरी गुड. दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी डन. तब आपका बिजनेस मॉडल तैयार होगा. बिजनेस मॉडल रातों रात तैयार नहीं होता. पेपर पे बिजनेस मॉडल अपने को तैयार नहीं करना भाई, अपने को बिजनेस मॉडल असली में तैयार करना है. वेरी गुड मनीष, वेरी गुड. इफ यू कैन, यू हैव टू एक्चुअली गो इन द मार्केट. वैभव नारायण, करोगे? वेरी गुड. बट किसी ने भी बिजनेस आइडिया शेयर नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि सबको लगता है सर चोरी कर लेंगे. इस तरह नहीं होता. आपको सही प्रश्न पूछने पड़ेंगे लोगों से. वेरी गुड सुमन. जब आपके पास आइडिया हो ना, उसके आपके पास 50 प्रश्न तैयार होने चाहिए कि मेरे को 500 लोगों से क्या पूछना है, क्या पूछूंगा तो मुझे मेरे सही जवाब मिलेंगे कि मुझे आगे बिजनेस करना है या नहीं करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय फ्रेंड्स. वो जज्बा आ जाएगा ना 500 लोगों से बात करने की, आप अपने आप बिजनेसमैन बन गए.
बस फिर वो हर कार्य को करना पड़ेगा। अपने को पेपर पे कुछ नहीं बनाना है, मैं पेपर मॉडल पे बिलीव ही नहीं करता। पेपर मॉडल पे तब करो जब आप कुछ कर चुके हो, अब उसको पेपर पे लाओ, फंडिंग के लिए जाएंगे, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, पर पहले कुछ करके दिखाओ। जब हम 500 लोगों से बात करेंगे, एनालिसिस होगी, जब हमारा एक मोटा मोटी एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाए कि भाई अब हाँ ये चीज, ये प्रोडक्ट है और इस तरह ये प्रोडक्ट दिखेगा, ये कलर का होगा, इतना बड़ा होगा, साइज वाइज सब चीज रेडी हो जाएगी। विवेक क्या बोल रहा है, ये सब लोग डरते हैं आइडिया शेयर करने से, वो तो मैं आपको बोला ही ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 सालों से कॉलेज में जाता हूँ, मुझे पता है कि, और जब मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ मेरे पैशन के लिए जाता हूँ, आई डोंट डू इट फॉर मनी। लोगों को डर होता है कि कोई चुरा लेगा, अरे मगर लोगों को यह समझना जरूरी है कि जिस दिन तुम मार्केट में जाओगे ना, उस दिन भी कोई चुरा लेगा और कोई दूसरा आगे बढ़ जाएगा। जैसे आईफोन, आइडिया उनका नहीं था, बट आज दुनिया में लीड कौन कर रहा है। मनीष, वी विल टेक योर आइडिया आफ्टर आई फिनिश माय लेक्चर एंड वी विल डिस्कस इट। यू नो जीता कौन, एप्पल जीत रहा है। ऐसे घंज एग्जाम्पल है मार्केट में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आप भी शेयर कर सकते हो, वी विल डिस्कस इट। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स है कि किया किसने और जीत कौन रहा है, ये ऐसा होता है, ये आपको समझने की जरूरत है, और तब आप आगे बढ़ सकते हो, तब आप आपका बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हो। डरोगे ना, डरने वाले का बिजनेस में कोई काम ही नहीं। सोचो कि आपका एम्प्लॉय जो आपके पास काम करता है, अगर वो आपका कंपटीटर बन गया तो आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते भाई, उससे बेटर काम कैसे करो ना, वो सोचो। वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, कोई ना कोई तो करने वाला है, आपको कंपटीशन तो आने वाला है। अगर आप कंपटीशन से डर रहे हो, अगर आप आपके सिर्फ ये जो दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों से डर रहे हो, आप ये चीज सोचो, आपके दोस्त लोग हैं सब जो क्लास में बैठे हैं, यदि आप उनसे डर रहे हो तो आप फिर मार्केट में अनजान लोगों से कैसे डरोगे। आज फेसबुक है दुनिया का सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा था कोई बता सकता है? जानकर तंग रह जाओगे, तंग। yahoo.com, किसी को पता हो तो, ये कंपनी थी, उसकी फेसबुक नेटवर्किंग साइट थी orkut.com, ORKUT, orkut था पहला सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक के भी मेकर ने, जो कि मार्क जुकरबर्ग नहीं है, वो भी कोई और है, उधर से इस मॉडल को चुरा के बनाया था, और मार्क जुकरबर्ग ने उससे भी चुरा ली। अब चुरा लिया कि टेक्निकली क्या, इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया जो है ना, सिर्फ सक्सेसफुल आदमी का नाम याद रखती है। सब अपनी कहानियां दे सकते हैं, पर उसने भी तो कोई ना कोई गलती की ना, तेरे में दम नहीं था एग्जीक्यूट करने का, इसलिए मांग से कबर ने एग्जीक्यूट किया। अगर जिसने बनाया उसमें अगर दम होता एग्जीक्यूट करने का, तो मार्क जुकरबर्ग कभी चोरी कर पाता क्या उस आइडिया? यही कहानी है माइक्रोसॉफ्ट और मैक की। आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू प्ले द गेम। रो तो सब सकते हैं, अरे उसने मेरा चोरी कर लिया, उसने चीटिंग की, उसने चीटिंग की, चीटिंग दुनिया में तो ये दुनिया की असलियत, जाओ लड़ो कोर्ट में, जिंदगी निकल जाए, या फिर उसके सामने फिर खड़े हो, फिर लड़ो और आगे बढ़ो। ये सब मुझे ईमेल आईडी क्यों दे रहे हैं, आई डोंट नो। फेसबुक तो पीछे से आया, ऑर्कुट को कहां साइड में छोड़ दिया पता नहीं, और आज फेसबुक की हालत भी देखो, कौन उसकी सिचुएशन को टाइट कर रखा है? इंस्टाग्राम, आज इंस्टाग्राम टॉप पे है, बट इसका भी समय आएगा, कोई ना कोई आके इसको भी मार। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिप्लेसेबल। आप ये मत सोचिए कि आज अगर ये है तो यही रहेगा हमेशा नंबर वन पे, ऐसा कभी नहीं होता। नंबर वन हमेशा बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। जब आपका वैसा बिजनेस मॉडल तैयार हो जाए, जब आप वो हिम्मत जुटा लेके हम सबसे लड़ सकते हैं, तब आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, तब आप आपका बिजनेस मॉडल तैयार होने के बाद उसको मार्केट में ला सकते हैं। और मार्केट में कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कोई बोलता है सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, इतना पैसा ही नहीं। कोई बोलता है कि सर लोग नहीं है, कोई बोलता है सर ये नहीं, सर वो नहीं। इसी का नाम तो बिजनेस है, कि आपके पास कुछ नहीं होके आप सब कुछ कैसे खड़ा करोगे। मेरे दादाजी आए थे, गांव से आए थे, जेब में सिर्फ 15 रुपए थे, और आज इतना बड़ा एम्पायर छोड़ गए कि हम मतलब हमारे साथ पुष्टे भी रहे तो शायद कम पड़े।
बिजनेसमैन वही होता है कि अपना कुछ नहीं होके वो सब कुछ को अपना बना लेता है। जब आपके पास आपका बिजनेस आइडिया आ गया, आपने उसकी मार्केट टेस्टिंग कर ली है, आपको लगता है कि हाँ बिजनेस एनालिसिस हो गई है, अब ये मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया है या ये मेरी सर्विस तैयार हो गई है, अब इसको मुझे मार्केट में लाना है, वहां से शुरुआत होगा आपका बिजनेस पॉइंट। हम डालेंगे सबसे पहले उस बिजनेस का 1% मॉडल, आई कॉल इट द 1% मॉडल। बेसिकली तो वो कैसे तैयार हो, वो बिजनेस कैसे रेडी हो, वो मार्केट पे कैसे जाए। अगर आपको 1 करोड़ रुपया लगाना है ना आपके बिजनेस में, तो आप 1 लाख से शुरुआत करो। वो 1 लाख रुपया कहां से आएगा, सबसे पहला फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आज तो गवर्नमेंट भी देने को तैयार है। 10 लाख रुपए का एक एंटरप्रेनर को विदाउट एनी कोलैटरल गवर्नमेंट भी आप अप्लाई कीजिए, आपको 10 लाख रुपीज का लोन देगा। आपको स्टडी करने की जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ, न्यूज पेपर पढ़ोगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑनलाइन जाओगे न्यूज पढ़ोगे, अच्छी चीजें पढ़ो तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, तब आप आगे बढ़ पाओ। दैट मनी से आप शुरुआत करोगे, यू विल स्टार्ट विद दैट मनी, और उस मनी को भी ऐसे आंख बंद करके खर्चा नहीं करना है, एक एक पैसा वसूलना है। आपका 1 रुपया 10 रुपया जैसा लगना चाहिए मार्केट, तब आपने सही खरीदी की है, तब आपने सही बिजनेस प्रोटोटाइप तैयार किए। जब आप वो 1 लाख रुपया डालोगे ना, यानी अगर आपको 1 करोड़ डालना है, 1 लाख रुपए से वो बिजनेस कैसे तैयार हो सकता है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो ये सोच रहा था कि हम हर कोने में मार्केट चाहेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, नहीं, आपको एक छोटा सा मार्केट एरिया लेना है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बिकता है, वहां से शुरुआत करनी है, वहां पे एक छोटी शॉप डालिए, या आज तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, या वहां पे लोगों से 4-5 ब्रोकर से कॉन्टेक्ट कीजिए, या वहां पे 4-5 दुकानों से कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कीजिए लोगों से बात करके, कम से कम पैसों, एज लेस एज पॉसिबल, 1% इज द आइडियल। वो 1 लाख रुपया खर्चा करके देखिए कि वो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, एक तो अपन ने रिव्यू ले लिया, मार्केट एनालिसिस किया, पर जरूरी नहीं जो लोगों ने बोला वो असली जिंदगी में हो, इसलिए अनलर्न लर्न। हमने लर्न तो किया कि लोग क्या सोच रहे हैं, अब रीलर्न करना है कि पैसा देने को तैयार है क्या असलियत में, दैट इज रीलर्निंग। आर पीपल रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट एट द प्राइस यू वॉन्ट। वो 1 लाख में आपका पूरा वो स्टडी हो जाएगा। 6 महीना चलाना है आपको, 6 मंथ्स, 6 महीने में क्या हम उसको एटलीस्ट जितना पैसा डाला है उतना घर पे आ गया, अगर उतना आ जाता है तब आप वो बिजनेस को बड़े स्केल पे लॉन्च कर सकते हो विद द नेक्स्ट 10% मंथ। फिर आप 10 लाख रुपए डालिए, एक मार्केट को एस्टैब्लिश कीजिए, वो जब मार्केट टोटली एस्टैब्लिश हो जाएगा देन यू विल गो फॉर एक्सपेंशन मोड, टेस्टेड फॉर, फिर यू नो, एक बार 10 लाख डाल दिया, एस्टैब्लिश, कोई 1 महीने में करता है, कोई 6 महीने में करता है, कोई 6 साल लगाता है, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आप कर सकते हैं। यू नो, हर एक केस अलग होता है, तो मैं जनरल इस लेक्चर में नहीं बोल सकता कि इतने टाइम में हो जाए, सबका अपना अपना सिनेरियो होता है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। जरूरी नहीं कि सचिन ने 100 सेंचुरी मारी है तो रोहित शर्मा भी 100 सेंचुरी मारेगा या विराट कोहली भी 100 सेंचुरी मारेगा, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पर हर आदमी का नाम है ना, वैसे आपका भी नाम है। वंस यू डू दैट, वंस यू हैव मेड अ मॉडल जो लोगों तक जा सके, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई हाँ पैसा देने को तैयार है, अगर पैसा देने को नहीं तैयार है तो 6 महीने में आपको उसको रेगुलरली रोज वॉच करके चेंज करना है कि भाई आज देखा कि 10 रुपए में कोई नहीं खरीद रहा, चलो कल उसको अपन 5 रुपए में करेंगे, 5 रुपए में खरीदेगा क्या, 5 रुपए का खरीदना शुरू किया तो अब आप देखो कि आपको 5 रुपए में पड़त आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो वो कैसे पड़त में आएगा, क्या आप चेंज करोगे प्रोडक्ट में कि आपके 5 रुपए में आपको प्रॉफिट होना शुरू, आपको रिवर्स वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी, कहीं वापस फॉरवर्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। इस तरह रोज ट्रायल एंड एरर करते करते आपको सही मॉडल सेट हो जाएगा 6 महीने, फिर यू कैन एक्सपेंड योर मार्केट
गो फर्दर। जब आप इतना 1 लाख का 6 महीने में बिजनेस करोगे ना, वापस किसी अभी इन्वेस्टमेंट लाने के, फंडिंग लाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां से आप लोन लेके आ सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये सब आपको लोन देंगे। एक होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर लोन नहीं देगा, इन्वेस्टर आपके कंपनी में स्टेक लेगा, वो आपके कंपनी का ओनर बनना चाहेगा। यानी अगर आप 10 लाख रुपया मार्केट में लेने जा रहे हो और आपका कंपनी का वो वैल्यूएशन निकलेगा जो आपको निकालना है, वो वैल्यूएशन निकालने के बाद बोलेगा भाई ठीक है मैं 10 लाख रुपया डाल रहा हूँ, मेरे को इतना पैसा, इतना परसेंट का कंपनी का मालिक मैं, फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके वो शेयर्स देगा, शेयर्स वो खरीदेगा और फिर वो भी बोर्ड पे आएगा आपके साथ। तो जब तक वो इन्वेस्टर आपके सोच वाला नहीं है तो भी आपको तकलीफ हो, तो इसलिए आपको, ये आपकी चॉइस है कि आपको इन्वेस्टर चाहिए कि लोन पे आप मैनेज कर सकते हो, दैट इज योर एंटायरली योर चॉइस। फर्स्ट राउंड होता है एंजल इन्वेस्टर्स का। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, एनीवेयर फ्रॉम द रेंज ऑफ 10 लाख टू 2 to 3 crores, इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर डालता है। ये आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा नहीं होती है, एनीवेयर फ्रॉम 50 lakhs to 10 crores की आपकी वैल्यूएशन आप गिन के जाते हो उस राउंड में। अब वो वैल्यूएशन कैसे होती है उसकी डिटेल्स के लिए पूरा 10 दिन लगता है आपको, 1 दिन में नहीं बताया जा सकता। इट्स अ प्रॉपर फाइनेंशियल लेक्चर। फिर सेकेंड राउंड आता है फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर। पहले तो आपने बूटस्ट्रैपिंग की, जो 1 लाख रुपया लगाया उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, ओके। सेकेंड अपन गए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद यू विल गो टू वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एनीवेयर फ्रॉम 2 crores to 20 crores 30 crores तक पैसा लगाते हैं। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है एनीवेयर फ्रॉम 10 crores to 100 crores to 200 crores। उस रेंज में जब आपकी कंपनी आ जाती है वैल्यूएशन वाइज, आपकी कंपनी का टर्नओवर की बात नहीं हो रही है, वैल्यूएशन की बात हो रही है। वैल्यूएशन कैसे होता है, एक बेसिक फंडा समझा देता हूँ। जैसे कि आपने 1 साल में टर्नओवर किया है अराउंड 10 लाख का, फिर आपको अगले 3 साल के लिए आपको प्लान बताना है कि ये 10 लाख कैसे 1 करोड़ हो जाएंगे, मतलब 1 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाओगे कि 2 करोड़ का टर्नओवर पहुंच जाओगे कि 3 करोड़ का टर्नओवर, जितने भी आप टर्नओवर बताओगे उसका आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन गिन सकते हैं कि ये कंपनी सर आज हम इतना पैसा मांग रहे हैं, हमको 3 करोड़ की वैल्यूएशन की हमारी कंपनी, क्योंकि हम ये 3 साल में 10 लाख से 3 करोड़ में पहुंच जाएंगे, 30 times ग्रोथ। सिर्फ बता के कुछ नहीं होगा ना, वो पैसा डालेगा तो वो आपसे डिलीवरी भी मांगेगा, याद रखना। तो हवे में कोई भी फिगर नहीं देने उधर, उसकी प्रॉपर आपको साइंस बतानी पड़ेगी, भाई इतना पैसा लगेगा, ये पैसा यहाँ लगेगा, इसकी इतनी सेल होगी, इतनी सेल से इतना टर्नओवर होगा और फिर फाइनली हमको इतना प्रॉफिट बचेगा, हमारे 10 सेंटर होंगे, 50 सेंटर होंगे, व्हाटएवर। जब वो 3 करोड़ के अपने 3 साल के बाद हम 3 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, उसकी वैल्यूएशन दोगे, तो वो बोलेगा भाई ठीक है चल मैं 20 लाख रुपया लगाता हूँ, मेरे को 50% वैल्यूएशन चाहिए। तो वहां डिस्कशन चलता है, भाई 50% वैल्यूएशन का है का, मैं तो 3 करोड़ की कंपनी हूँ, 30 लाख का 10% होता है, आपको 50% कैसे दें। तो फिर एक वैल्यूएशन आप डिसाइड किए, बट फिर एक टेबल पे एक वैल्यूएशन डिसाइड, वो बोलेगा नहीं तुम इतना ही कमा पाओगे, तुम हवे में फिगर दे रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। टेबल पे डिस्कशन होता है, वो 5-6 राउंड तक वो डिस्कशन चलता है, फिर फाइनलाइजेशन होता है, आप भी मानते हो, वो भी मानता है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, नेगोशिएशन चलते हैं एंड देन द मनी कम्स। ये हर राउंड में ये चीज रिपीट हुई, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर से हम गए वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट से बाद द नेक्स्ट राउंड इज प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी वाले बहुत पैसा लगा सकते हैं, मतलब 100 crore 200 crore, हाउ मच एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बट वो कंपनी प्राइवेट रहती है, प्राइवेट हैंड्स में रहती है, वो आपके बोर्ड पे भी आते हैं और फिर बोर्ड पे आके वो भी उनके इनपुट्स देंगे, दे विल ऑल्सो टेक सैलरी फ्रॉम द कंपनी, ये पूरा एक अलग सिस्टम रन होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कंपनी बड़ी होती है, देन आपके ऊपर है कि आपको कंपनी को कभी पब्लिक लिमिटेड लेके जाना है, कि आपकी कंपनी को, क्योंकि क्या जितने भी लोगों ने पैसा डाला है उनका पैसा छुट्टा कब होगा, जब आप पब्लिक लिमिटेड लेके जाओगे या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढोगे जो उनका स्टेक खरीदने को तैयार, राइट। तो जो जो लोग आप में पैसा डाल रहे हैं वो भी आपके सोच से अलाइंड है या नहीं है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक गलत आदमी मिल गया, गलत फाइनेंसर मिल गया, आपकी कंपनी को पूरा खत्म कर सकता है। तो ये भी चीज समझना बहुत जरूरी है, हर किसी के पास जाके पैसा नहीं मांगना,
आपको समझना है कि क्या वो मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड आदमी है, क्या मुझे बेनिफिट होगा उस आदमी के साथ में आने से, क्या वो बिजनेस समझता है, क्या वो मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं बट भी बिजनेस कैसे होता है वो उसको वो समझता है क्या, तब जाके उसका पैसा आप आपके पास लीजिए, अदरवाइज द होल मॉडल विल फेल। समझ रहे हैं? तो फिर यू नो 500,000-2,000 करोड़ की कंपनी हो जाओ, फिर आप कंपनी मार्केट में आपके शेयर बेचो, उसकी एक अलग वैल्यूएशन होती है, उसका पूरा सेबी का पूरा प्रोसेस है, वो हर नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर नॉर्म को आप जब मीट करोगे तब आप आपके शेयर मार्केट में लॉन्च कर सकते हो एट अ प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय सेबी। आप डिसाइड नहीं करते वो प्राइस, आपसे प्रपोज करते हो कि हमको ये प्राइस में लॉन्च करना है मार्केट को देखते हुए, ठीक है। वैल्यूएशन निकलती है मार्केट सिनेरियो से भी कि अगर आपकी जैसी कितनी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या भाव में ट्रेड कर रही है, उस ट्रेडिंग के भाव से आपका भी वैल्यूएशन निकल के आपका भाव निकलता है। तो इट्स अ टोटल साइंस, फाइनेंशियल साइंस जो इसके पीछे जाता है, जो बहुत समय लगता है तौर, बट ये रातों रात नहीं होने वाला है। रातों रात आप मार्क जुकरबर्ग नहीं बनोगे, इट टेक्स यू नो। फ्लिपकार्ट जब फ्लिपकार्ट बना, इतना फेमस हुआ ना, वो रातों रात नहीं हुआ, उसके 20-25 साल की मेहनत थी उनके पीछे, तब जाके फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट बना। तो ऐसे ही बिलियन डॉलर कंपनीज नहीं बनती है, जो हमें दिखता है वो सब बहुत बहुत अच्छा लगता है पेपर में देख के कि अरे इतना फेमस हो गया, इतना पैसा आ गया, ये आ गया वो, बट वो आदमी है ना दिन में अगर 24 घंटे तो 48 घंटे काम करता है। इस तरह की उनकी वर्किंग होती है, इस तरह का डेडिकेशन होता है, इस तरह का जज्बा लगता है। वो सब कुछ आप में भी है, सिर्फ जरूरत है तो कमिटमेंट की, डेडिकेशन की। यदि आप कमिटेड हो, यदि आप डेडिकेशन दे सकते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको तो कोई भी प्रश्न हो, प्लीज यू आर वेलकम टू आंसर। Neeraj sir, I think there are no questions. Sir, that was very interesting and useful. आपका इतना एक्सपीरियंस, आपकी SPGN इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की जो क्वालिफिकेशंस है, और आई एम श्योर यू हैव बीन हेल्पिंग वेरियस स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, बड़ा अच्छा लगा। यू नो आपने एक पॉइंट जरूर छेड़ा है कि भाई बिजनेस करना आसान भी नहीं है बट आसान भी है। बेसिक पॉइंट ये है, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वी कैन स्टार्ट ए बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इस सेशन को स्टार्ट करते वक्त ही हम लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि टेक्निकल स्नैक की वजह से यू नो और वॉइस फ्रॉम द बैकग्राउंड आ रही थी, बट टुगेदर माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर कोलीग मिस्टर वैभव, हम लोगों ने मिलके ऑन द स्पॉट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दैट मीन्स टीम वर्क इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। आप एक हैंड, दो हैंड, चार हैंड, छह हैंड मिलके किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, मिलियनियर, बिलियनियर एंड मल्टी बिलियन कंपनीज खड़ी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, साथ में हम आपके खड़े होंगे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आप किसी भी समय हमें सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वी आर देयर इन द कैंपस फुल फ्लेज for you now. Thank you very much, sir. I'm sure we will have lot and lots and lots of information and similar series from you in the future, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो आपके ही knowledge का और entrepreneurship का फायदा उठा सकें। Sir, सबको एक questions आए हैं। Yes, please. Yes. Sir, if someone is willing to gain some experience for some years by doing some job and then a business entrepreneur, is it okay? Jain साहब, मैं exactly आपको यही बोल रहा हूँ कि बच्चे को डायरेक्ट गद्दी मत दीजिए, कहीं ना कहीं उसको सिखाइए या आप खुद जाके कहीं ना कहीं सीखिए। सीखोगे तो विजडम आएगा। मैंने सबसे पहली बात की शुरुआत ही यहाँ से की थी, विजडम। हम कॉलेज में सिर्फ नॉलेज मिलता है बट विजडम मार्केट में ही मिलेगा। तो वो जब कहीं जॉब करेगा साल दो साल या आपके नीचे खुद के नीचे, सॉरी जे या ओके यू आर अ स्टूडेंट, सो आप भी कहीं जाके खुद के पापा के बिजनेस में जॉब करोगे या फिर किसी और के बिजनेस में भी जाके जॉब करोगे, बट आपको जॉब का पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस सीखना है, उसका बिजनेस नहीं, बिजनेस करना सीखना है। फिर तो दुनिया का कोई भी बिजनेस वो बिजनेसमैन करने लायक हो जाता है। जब आप में वो एटीट्यूड आएगा ना, तब आप वो जॉब एक फोकस से करोगे, भाई साल दो साल में मुझे पूरा लैडर चढ़ना है,
मतलब ट्यून से लेके ओनर तक का सब चीज समझना है मुझे। जब आप वो सब सीख जाओगे तब आप ट्यून को भी हायर कर सकते हो, ओनर को भी हायर कर सकते हो, सब कुछ हायर कर सकते हो। आज के बिजनेसमैन की, अपने स्पेशली मारवाड़ी जेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारे से स्मार्ट आदमी को हायर नहीं कर सकते। हमें डर लगता है वो हमारा बिजनेस खा जाएगा, वो हमारे साथ कुछ हमारा चोरी कर लेगा या कुछ कर लेगा। अरे क्यों भाई, आर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी कैनॉट हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन अस। वी हैव टू हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन अस। हमें घोड़े को ही हायर करना है, वो भागे ना उस पर लगाम कैसे रखनी है वो आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप किसी के यहाँ पे जॉब करोगे आपके ऊपर लगाम कोई रखेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को दूसरे पे लगाम कैसे रखनी है ताकि वो सही चले। दैट इज द पॉइंट। एक, okay. एक 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 यूजफुल इंफॉर्मेशन और है सर, सब बच्चों के लिए भी है और फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी जो यहाँ पे जुड़े होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी में ही सीखना चाहें हाउ टू सेल एंड डू एंटरप्रीनरशिप, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 5 से 10 बच्चों का दे कैन पिक अप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन बिजनेस। This is a useful input for all of us. Okay, I have another question that has come up to me. Which age is good to do business according to you? Okay, now, as I told you, हमने जो आज तक सीखा है वो नॉलेज है, आगे हमें चाहिए विजडम। कोई एज की सीमा नहीं है, एक 10 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है, सिर्फ उसमें वो मैच्योरिटी और समझ होनी चाहिए। एक 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है अगर उसमें वो मैच्योरिटी और बिजनेस करने की समझ है तो। देयर इज नो एज करेक्ट एज टू डू बिजनेस। ये अपने इंडिया में ये जार्गन बने दे कि 20 साल में शादी करो, 30 साल में बच्चा करो, 40 साल में ये होना चाहिए, 50 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये एज के प्रेशर में तो कभी मत आना। ये एज के प्रेशर में आने से ही आदमी मिस्टेक्स करता है, गलतियां होती है, क्योंकि हम भागना चाहते हैं जो हमारी स्पीड नहीं है उस पे। सब हर व्यक्ति की अपनी स्पीड होती है, अपनी स्पीड से चलिए तो आप सक्सेसफुल होंगे। आप मेरी स्पीड को कॉपी करने जाएंगे तो आप फेलियर हो जाएंगे, बिकॉज मेरी स्पीड मैंने किस हिसाब से सेट की आपको पता ही नहीं। इसलिए दूसरों को देख के खुद के दिमाग को भ्रमित बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्ट सून, जितना जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, ये बात राइट है। बट जब तक आप तैयार नहीं हो और आप लॉन्च हो जाओगे ना तो क्रैश हो जाएगा, तो वो भी समझना जरूरी है। डू एवरीथिंग एट द राइट टाइम। आशुतोष अवस्थी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, समटाइम्स वी हैव टू इन्वेस्ट इन प्रेजेंटिंग आवर प्रोडक्ट्स टू पब्लिक। जस्ट अ मिनट, दैट क्वेश्चन इज गॉन। ड्यूरिंग बूटस्ट्रैपिंग देयर इज अ लिटिल सेल, आर देयर अदर इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस ऑफ ड्यूरिंग दिस स्टेप? यस यस आशुतोष, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग बूटस्ट्रैपिंग। यू नो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट, so some people will buy your product at a certain rate, some people will reject your product at a certain rate, so you will be also doing demographic analysis ki kaun sa type ka aadmi nahi khareed raha hai, kaun sa type ka aadmi khareed raha hai, so you will know what is your exact target audience, what is your exact range of, you know, people are ready to pay, what is the range people are ready to pay for your product and why, you know, aap har cheez ki detailing mein ja sakte ho during bootstrapping. wo kar isliye sabse important pura chapter hai, samajh lijiye, business model banane ka. उसी में ही पूरा बिजनेस मॉडल तैयार होता है। हर टाइप की एनालिसिस होती है, एवरी टाइप ऑफ एनालिसिस इज पॉसिबल इन बूटस्ट्रैपिंग। व्हेन यू नो हाउ इज द कस्टमर बिहेविंग बाय लुकिंग एट योर प्रोडक्ट, इज योर कस्टमर वेरी ओपन टू बाय योर प्रोडक्ट और ही इज वेरी हेजिटेंट टू बाय योर प्रोडक्ट, व्हाई इज ही गेटिंग हेजिटेंट, व्हाई इज ही वेरी ओपन, मतलब हर टाइप का साइको एनालिसिस सब कुछ हो सकता है। यू हैव टू लुक इट फ्रॉम एट एवरी एंगल, 360 डिग्री एंगल से आपके प्रोडक्ट को आपको देखना है। Have I answered your question or you need more elaboration? Ashutosh? You know, bootstrapping के time पे हमारा target सिर्फ sales नहीं है, bootstrapping के time पे हमारा target है कि हमारा product हर angle से study हो जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए to be launched in the proper rate, in the proper market, to the proper audience. That is the target. Okay, then in India, do you see the scope of innovation driven businesses with competitive cost, especially with Chinese products? Mukesh, the thing is, India is a business driven country. Trust me, 95% of Indian economy is run by family businesses. Business bina innovation ke nahin chalta hai. To innovation ka to yahan pe scope hi scope hai. पूरी दुनिया यहाँ पे अपना माल बेचने आ रही है,
तो बिना स्कोप के कोई माल बेचने नहीं आता है। चाइनीज प्रोडक्ट है, आपको कंपटीशन है, आप कंपटीशन से कैसे जीतोगे वो आपको देखना है। आज चाइनीज हार रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें हैं जब हम इम्पोर्ट करते थे चाइनीज वहां पे हार रहे हैं, लाइक टॉय इंडस्ट्री, खिलौने की इंडस्ट्री। पिछले 4 साल में बहुत बड़ा गैप आ गया है, हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, हम खुद का प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिए हैं, चाइनीज का इम्पोर्ट गिर रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस दैट इज कम, कैसे आया, स्टडी करो। इनोवेशन इज समथिंग विच इज इन आवर माइंड, टिल वी डू नॉट एग्जीक्यूट इट इनोवेशन इज वेस्ट। तो हर चीज पॉसिबल है, डोंट थिंक कि भाई ये हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। अगर यू नो, हारने वाले के लिए बहाने बहुत हैं और जीतने वाले के लिए रास्ते भी बहुत हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको बहाना चूज करना है कि रास्ता। एक यूजफुल इनपुट है इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देर आर एटलीस्ट 10 रूट्स ऑफ इनोवेशन। सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स पे ही आप इनोवेट नहीं कर सकते, बिजनेस के करने के तरीके में भी इनोवेशन अवेलेबल है। We can do lot of innovations, और इंडिया का नाम ही दूसरा जुगाड़ के नाम से जाना जाता है। जुगाड़ means innovation।